इस हॉस्टल में चार ब्लॉक है और प्रत्येक ब्लॉक में चार चार शौचालय है, तो पूरा हॉस्टल में कुल मिला करके 16 शौचालय हुए। 16 में अभी केवल दो ही काम कर रहा है। ठाकर बापा आदिवासी बालक कल्याण छात्रावास खूंटी झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। यह 100 बेड का दो मंजिला छात्रावास है। इस भवन को 2002 से 2003 में NPCC भारत सरकार द्वारा 63 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया था। पानी की समस्या, पानी के लिए जैसे मोटर लगाया गया था, नल भी लगाया गया था, छत के ऊपर में टंकी भी लगा हुआ है, लेकिन नल और पाइप वगैरह इतना मैंने कमजोर है ना लगाया गया था, जब पानी जब आने लगा तो पानी के दबाव से अपने आप सब टूटता चला गया, बिजली का कनेक्शन नहीं है। छात्रावास में सोलर तो लगाया गया लेकिन उसका सारा सिस्टम खराब है। छात्र अपने अध्ययन कार्य में सोलर को टेबल के रूप में प्रयोग करते हैं। और उसके बाद बाबरची तो बच्चा लोग अपना खर्चा से मैंने कितना दिन तक तो बाबरची रख सकता है, और यहाँ तो सब गरीब बच्चे रहते हैं, सब आदिवासी बच्चे रहते हैं, गांव घर से आते हैं, तो ये सब एक तरह से क्या कहते हैं बच्चों के लिए एक समस्या ही है। इन सारी समस्याओं को लेकर कई बार जिला कल्याण पदाधिकारी को तथा मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन आज तक इस छात्रावास की तस्वीर नहीं बदली। अरे कोई सुनने वाला ही नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई माँ बाप ही नहीं है। आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि इस छात्रावास का मरम्मत करने एवं आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी खूंटी, जिसका नाम है ललिता मिंज और मोबाइल नंबर 9431905568 पर कॉल करें, ताकि छात्र अपने भविष्य को एक नया दिशा दे सकें। मैं अमिता, झारखंड के खूंटी जिले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।